चाहता है समय जल्दी से बीते और उसको पाले, ठीक है ना। जो है मान लो वो साल भर आ गया या साल में बहुत टाइम ज़्यादा लगता हो, तो जिसे तुम्हें पाना है वो मान लो एक हफ्ता आ गया, मन क्या चाह रहा है कि एक हफ्ता कैसा हो, कैसा हो, जल्दी से कट जाए, जल्दी से कट जाए, मन ये चाहेगा। ये बात स्पष्ट है? यस सर। ये एक हफ्ता कैसा बीतेगा तुम्हारा? इंतजार, वेट करने तो बहुत मजा आएगा, थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, बहुत मजा आएगा। नहीं सर। तो मेरे सर इस एक हफ्ते में लगातार कैसे रहोगे? अनसैटिस्फाइड सर, एंग्जियस। और हमारा जीवन लगातार ऐसे ही बीत रहा है क्योंकि डिजायर हमेशा फ्यूचर में होती है, ठीक है ना। जो भी तुम चाहते हो वो अभी से नहीं चाहते, अभी में तो कोई डिजायर हो नहीं सकती, वो अभी से कुछ आगे नहीं होती है और आगे कोई खिसकती जाती है। ऐसा भी होगा कि एक को पालो तो वहीं पर रुक गए, एक को पाते हो तो उसके आगे उसके आगे। और तुमने देखा कि जब भी कुछ पाना है तो अभी और उसके बीच में जो अंतराल है वो बड़ा बोरिंग रहता है, वो काटने को दौड़ता है, यही लगता है कि इसमें बीते कैसे, ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. और हमारा अगर पूरा जीवन ही ऐसा बीत रहा हो तो जीवन कैसा हो जाएगा? बोरिंग। वैसे भी ऐसा है जैसा है, बोरिंग, डरा हुआ, लाइफलेस, लवलेस, जॉयलेस, क्योंकि हम प्रतीक्षा में लगातार कि आगे कुछ अच्छा होगा, हमारी चाहते आगे पूरी होंगे। और जब आप इंतजार में होते हो तो आप बहुत नाच तो नहीं सकते, जब आप लगातार इंतजार में हो तो आप बहुत आनंद तो नहीं अनुभव करोगे ना, फिक्र होगी। इच्छा में आनंद है, इच्छा की पूर्ति में आनंद है। इच्छा का मतलब है पूर्ति अभी हुई नहीं, इच्छा का मतलब है पूर्ति अभी हुई नहीं, आनंद पूर्ति में है। तो अभी क्या है? अभी क्या है? आनंद तो है पूर्ति में, तो जब पूर्ति अभी हुई नहीं तो अभी क्या है सर? आनंद नहीं है, आनंद नहीं है। सिर्फ इच्छा में तो आनंद नहीं है ना, इच्छा है ही इसीलिए कि उसकी पूर्ति हो सके। आपने एक चीज कही थी कि हम जब सोचते हैं वी थिंक जस्ट अबाउट आवर एम्बिशंस, या फिर हम फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हैं, या फिर हमने पास्ट लाइफ में क्या किया है, और ये इन सब चीजों का नोइंग आवरसेल्फ से कोई भी लेना देना नहीं है। तो वो क्या चीजें हैं जो हम सोच के अपने आप को जान सकते हैं? अपने आप को जानने के लिए सोचना नहीं, ठीक है, आपको जानने के लिए शांत होना पड़ता है, उस सोच को भी शांति से देखना होता है, उस सोच को भी शांति। सोच तो लगातार रहेगी। अब जैसे मैं जो बोल रहा हूं, शायद ये माहौल बना दे जिसमें तुम खुद को जान सको, लेकिन अगर तुम सोचे ही आ रहे हो, सोचे ही जा रहे हो, तो मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगा क्या? अभी तुम सुन रहे हो ध्यान में या सोच रहे हो? सोचे जा रहे हो, सुन रहे हो। और अगर तुम सोच में रह रहे तो क्या जान पाओगे? कुछ नहीं जान पाओगे। तो जहां तक खुद को जानने की बात है, हरिकेश ने भी यही कहा था कि इफ आई कीप थिंकिंग अबाउट माइसेल्फ, जैसे लव का मतलब हो थिंकिंग अबाउट माइसेल्फ। तुम अब कह रहे हो कि खुद को जानने के लिए सोचने की जरूरत है, जैसे सेल्फ अवेयरनेस का मतलब हो थिंकिंग अबाउट माइसेल्फ। खुद के बारे में सोचना नहीं है, सोचते तो तुम रहते ही हो, और जब तुम खुद के बारे में सोचते हो तो जैसा मैंने कहा, तुम या तो डरे हुए होते हो या लालच में होते हो, वही डिजायर में होते हो। खुद के बारे में सोचना तो यही करते हैं ना कि मेरा क्या होगा, मैं और क्या पालू, यही तो सोचते हो अपने बारे में। और क्या सोचते हो? मेरे मार्क्स कितने आएंगे, मेरी तैयारी कितनी होगी, यही सब तो सोचते हो ना। मुझे कहाँ जाना है, मेरा रिजर्वेशन हुआ कि नहीं हुआ, अपने हितों की पूर्ति, यही तो लगातार सोच रहे हो। और क्या सोच रहे हो अपने बारे में? मुझे क्या मिल जाए, मुझसे क्या छीन ना जाए, यही सब सोच रहे हो। मुझसे कौन खुश है, कौन नाराज है, मेरी इज्जत कहीं गिर तो नहीं रही है, यही सब सोच रहे हो। ये सोचना तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा, समझना होता है ये सब चल क्या रहा है, ये सब क्या चल रहा है। ये मैंने तुमसे कहा कि
क्यों है मत पूछो, क्या है इसको देखो, ये मामला क्या है। सोच में तो तुम डूबे ही हुए हो, मुझसे ये और क्यों पूछ रहे हो कि सर हम और क्या सोचे, और कुछ भी सोचोगे तो और गड़बड़ हो जाएगी। तुम सोचने के अलावा और करते क्या हो? Classes and the feelings from those classes in my practical life, so I fail to do that because of atmosphere. I just want to do some practical in the college, but there is no lab in the college, so I just fail to do that. So what can I do in that case? See, what is kind of feelings? Implementation is not a desire. I want to implement. Implementation is not a want. Implementation koi want nahi hai, desire nahi hai. Agar abhi tum dhyan se sun rahe ho to tumhe baat samajh mein aa rahi hai na? Kya tumhari wanting se ho raha hai ye sab kuch? Kuch ho raha hai, tum samajh rahe ho, par kya ye tum samajh rahe ho tumhari desire se ho raha hai? अभी क्या तुम डिजायर कर रहे हो कि मुझे समझ में आए, आए काश मुझे समझ में आए तो कैसा मजा आए, मुझे समझ में आ जाएगा। हाँ, तुम ऐसे सोच रहे हो क्या? ऐसा कोई कामना है? पर कुछ हो रहा है और बिना तुम्हारे चाहे हो रहा है। तो पहली भूल तो तुम ये कर रहे हो कि तुम सोच रहे हो कि इम्प्लीमेंटेशन मेरे चाहने से होगा। इम्प्लीमेंटेशन तुम्हारे चाहने से नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है अपने आप तुम्हारी समझ से। अगर तुमने ध्यान से समझा होता तो इम्प्लीमेंटेशन हो गया होता। अगर एचआईडीपी का नेट रिजल्ट ये हो रहा है कि तुम्हारे भीतर दो चार डिजायर और जग जा रही है तो उससे कोई विशेष फायदा नहीं है, उससे कोई खास फायदा नहीं है। एचआईडीपी अगर तुम्हें बातों को समझने में मदद करे तो एक बात है, तुम्हारे भीतर एक्स तरह की डिजायर थी, इसने वाई तरह की डिजायर जगा दी तो कुछ खास होगा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एचआईडीपी के बाद तुम्हारे एक्शंस नहीं बदलेंगे, कि तुम्हारे एक्शंस ज्यादा अच्छे नहीं हो जाएंगे, अच्छे इन द सेंस कि उनमें एक ऊर्जा आ जाएगी, फ्रेगमेंटेड नहीं रहेंगे, बटे बटे नहीं रहेंगे। ये सबको मैं अच्छा कह रहा हूं। तो तुम्हारे होने का तरीका और तुम्हारे करने का तरीका सब बदलेगा, पर तुम्हारे चाहने से नहीं बदलेगा, क्योंकि तुम्हारी सारी चाह तो तुम्हारे अतीत से आती है ना। जो कुछ तुम्हें बता दिया गया अतीत में वही तुम चाहने लगते हो, जो तुम्हारे अनुभव रहे हैं तुम उन्हीं को दोहराना चाहते हो। तो वो जो चाहत वगैरह है वो तुम्हें कुछ नया नहीं दे सकती। एक बात तो बिल्कुल अपने मन में साफ स्पष्ट कर लो, चाहत तुम्हें कुछ नया नहीं दे पाएगी। डिजायर कर करके तुम जहां भी पहुंचोगे वो जगह बड़ी पुरानी होगी। तुम जिस जगह को जानते नहीं क्या तुम वहां पहुंचने की डिजायर कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं करते ना। निश्चित रूप से तुमने उस जगह के बारे में आपको कुछ पढ़ा है या सुना है, किसी तरीके से जाना है, तभी तुम्हें डिजायर है। ऐसा जीवन कोई मजेदार जीवन नहीं हो सकता जिसमें सिर्फ अतीत दोहराया जा रहा है। तुम्हारे भीतर 100 डिजायर थी, तुम्हारे भीतर एक डिजायर और आ गई कि अब मैं ऐसा हो जाऊं, मैं वैसा हो जाऊं। यार जिस मन में वो 100 डिजायर्स निकल रही हैं, उसी मन से तो ये भी निकली है ना, उसी मन से ये भी निकली है ना। तो घूम फिर के वैसा ही मामला चल रहा है जैसा पहले चल रहा था। तुम्हें धोखा हो गया है कि कुछ नया हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है। एचआईडीपी को सफल तब मानना जब एक नई डिजायर ना पैदा हो बल्कि तुम्हें हंसी सी आ जाए कि अच्छा ये सब डिजायर्स हैं जो चल रही हैं। अब ये कोई नई डिजायर नहीं है, ये मैं समझा हूं कि ये सब चल रहा है, और अब समझने से एक बिल्कुल नए तरीके का कर्म पैदा होता है और बड़ा मजेदार होता है। उसमें बहुत एनर्जी होती है और बहुत ताकत होती है। हरी बस।
जैसे हम निर्णय लेते तो कभी कभी हमें नहीं लगता है कि हमने वो सच लिया है या हम नहीं ले पा रहे हैं, तो मेरे में सबसे बड़ी कमी है कि मैं अपना कोई भी डिसीजन भूली मैं अपने पे ट्रस्ट करके नहीं ले सकती, तो समझ में नहीं आता कि हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो एक मशीन की तरह है, ठीक है ना। मशीन का अपना तो कोई निर्णय है, मशीन की फीडिंग भी तो मशीन कभी भी पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं हो सकती कि जो कर रहे हैं जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मशीन के मन पे लगातार ही ख्याल आते रहेंगे राइट और रॉन्ग, और वो राइट और रॉन्ग जानने के लिए किसकी ओर देखेगी, वो जिसने उसकी प्रोग्रामिंग करी है, वो जिसने उसकी डिजाइनिंग करी है। मेरे निर्णय, मेरा जीवन अगर मेरा अपना हो तो मुझे किसी और की ओर बिल्कुल नहीं देखना पड़ेगा, पर मेरे जीवन में जो कुछ है अगर वो दूसरों के प्रभाव से आता है उसमें मेरा कुछ है ही नहीं, तो फिर तो मुझे पूछना ही पड़ेगा ना, अब ठीक किया भाई, चीज तुम्हारी है, आदेश तो तुम्हारा है, तो मुझे बता दो कि मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। फिर हमेशा मन में एक संशय है, डाउट बना रहेगा, समझ में आ रही है बात। सबसे बड़ी चूक तो वहीं पे हो जाती है जहां भी सोचना शुरू कर देते हैं कि कुछ राइट है और कुछ रॉन्ग है। आप ध्यान से देखिए तो राइट और रॉन्ग के आपके जितने बेंचमार्क हैं वो कहां से आ रहे हैं, किसने आपको बताया कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, क्या आपने खुद जाना? मैंने पूछा था कि जानते हो कि मानते हो, क्या आपने खुद जाना राइट क्या है रॉन्ग क्या है? तो आपको बचपन से ही बेटा हमेशा सच बोलना, बड़ों का आदर करना, तुमने खुद कहां जाना कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, और क्या एक राइट हर स्थिति में हर समय में राइट होता है? तुमने तो कभी जाना नहीं। जो आज एक जगह पे राइट है वो कल रॉन्ग हो जाता है, ठीक आज एक देश में जो राइट है दूसरे देश में नियम बने हुए हैं कि वो रॉन्ग है। यही समाज सती होने को बड़ी मान्यता देता था, बड़ा राइट मानता था आज से 200 साल पहले, सिर्फ 200 साल पहले, आज रॉन्ग। तो क्या राइट क्या रॉन्ग, ये सब तो समय समाज के साथ बदलती हुई चीजें हैं। मेरा जीवन कैसा है वो मेरी इंटेलिजेंस से मेरी अंडरस्टैंडिंग से निकलेगा, सामाजिक राइट है रॉन्ग से नहीं निकल सकता। अगर होलिस्टिकली देखें तो रॉन्ग यही है कि मुझे दूसरों पे निर्भर रहना पड़ता है, यही और इसके अलावा कुछ रॉन्ग नहीं है। अपनी समझ से अपनी चेतना में जो भी करोगे उसी को राइट मानो, फिर किसी दूसरे की तरफ मत देखो कि मैंने ठीक किया कि गलत किया, अच्छा तुम बताओ। सच तो यह है कि तुम्हें दूसरे की ओर देखने की जरूरत ही इसीलिए पड़ती है क्योंकि तुम जो भी करते हो उसमें तुम्हारी अपनी समझ नहीं होती, दूसरों के आदेश होते हैं, दूसरों के प्रभाव होते हैं। जब अपनी समझ से कुछ करोगे ना तो ये बात आएगी नहीं किसी और की बात चोगे कि तुम आकर के सर्टिफिकेट दो कि मैंने राइट किया। तब अपने आप एक फेट कॉन्फिडेंस बोलने से बोलना चाहते हो तो अपने आप को उठता है।